जो दिल्ली से कहानी थी उसी की तहत हम आज जो नींदे थी, जो डोरमी की जो नींदे थी वो हराम हो गई, डोरमी को चैन सुकून खत्म हो गया। एक छोटा सा मुलाजिम जो पीडीएल टीडीएल से सुना होगा और देखा होगा कि हमारी जो ऑल इंडिया लेवल पे कॉल दी गई है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2022 जो कैबिनेट में वेनेसडे को अप्रूवल हो तो आज 8 अगस्त 2022 को पार्लियामेंट में टेबल होना है, तो उसके तहत हमारे ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्राइक हो रही है, जिसमें हमारे कोई 2.7 मिलियन 27 लाख एम्प्लाइज जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं। सिटिंग ये हमारा धरना है, इसमें हमारे जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की एसोसिएशंस हैं उन्होंने दिया है, जेका के हैं, JKPEC के हैं, DEA के हैं, ITI के हैं, लाइनमैन यूनियंस हैं और PDL TDL यूनियन जितनी भी हैं उन्होंने ये स्ट्राइक कॉल दी है। उसकी निगरानी जो हमारे जयपाल शर्मा जी और हमारे सचिन टिकू जी हैं वो हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे पूंछ में भी आज ये प्रोटेस्ट, सिटिंग प्रोटेस्ट हमारे सुबह से अभी तक चल रहा है, अब इसको हम इंशाल्लाह 4 बजे क्लोज़ करेंगे। तो इसका मकसद यही है कि गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट करने जा रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को, जो 2003 में अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद आज करने जा रही है। उसका जो मोटिव यही है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, एम्प्लॉइज़ के जितने भी हकूक हैं या हमारे जो प्राइवेट सेक्टर पावर सेक्टर हैं उनके जो हमारे हकूक हैं वो उसको ऑन बोर्ड लेके कोई भी डिसीजन लिया जाए, और उसको पार्लियामेंट में पास भी करना है तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में जो पार्लियामेंट की उसको भेज कर इसमें जो लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करके एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन के साथ मिलकर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। सर बताएं जो प्रोटेस्ट हमारी ये प्रोटेस्ट आज ठीक 8 महीने के बाद हमें ये कॉल आई आज कि 8 महीने के बाद हमारा जो 8 महीने पहले हमारा अमेंडमेंट बिल जो था इसको प्राइवेट करने गवर्नमेंट जा रही थी, और हमारे साथ एक रिटर्न में गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था जिसके सदारत जनाब सचिन जी कर रहे थे। उसके बाद 8 महीने के बाद आज फिर 8वें महीने में उन्होंने दोबारा ये बिल को प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, खासकर ऑल इंडिया गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ पे तुले हैं कि आप लोगों ने प्राइवेट करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी आपसे कम नहीं, कि हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि हम किसी ज़बरदस्ती के साथ अपनी कोई बात गवर्नमेंट को मनाएं। हम एक असलतन ये गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो आपने वादे किए थे वो सब बीच में से खोखले निकले, ना ही तो आज दिन तक आपने कोई DPC हमारे लोगों की, ना ही आज दिन तक हमारे लोगों के साथ आपने कोई इंसाफ बरता, ना ही हमारे PDL TDL का कोई मसला बना आप लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ बरता। और आज फिर हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा इस बिल जो आप पेश करने जा रही हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
कि इस बिल को पास करने में हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ के हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर लोग हैं, जैसे सचिन जी हैं, बाकी अदर लोग हैं, सबको साथ में बैठा के इस अमेंडमेंट बिल की बात जो है वो की जाए। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को बढ़ाना चाहेंगे तो वो किसी टाइम भी नाकाबले बर्दाश्त होगी। हम लोग बर्दाश्त, आम लोगों को रोड पे आना ही पड़ेगा। इसके लिए इसके सुधार से हमारे जनाब सरदार पुंछ के सरदार जगमीत सिंह जी, डाबर साहब, सलीम साहब, हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अपने जहांगीर साहब, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी हमारे स्ट्रेंथ के जितने भी हमारे साथी आए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह हम यह सचिन जी से एक ऐद करते हैं, तमाम लोग ये ऐद करते हैं कि आप किसी टाइम में भी रात को 1 बजे कॉल दे दो, 2 बजे दे दो, हम आपके साथ इंशाल्लाह तैयार हैं। का शुक्रिया अदा करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते।